चोर आदमी कभी भी थाने में नहीं जाता है, वो भागता है, वो भगोड़ा बनता है। इसका सारा ले रखा है चुनाव का, उसी के बेस पे अपना बचाव कर रहा है वो, और वो दिखाना चाहता है कि ईडी मेरा भी कुछ नहीं कर सकती है। कि संजय सिंह का नाम सुनते ही ईडी का पैंट गीला हो जाता है, आज किसका गीला हो रहा है? मैं तो 2010 से कह रहा हूँ भाई चोर है, आप लोगों की समझ नहीं बन पा रही। जब दाल काली है, जब इनको दिक्कत है, जब चोर को दिक्कत होती है, भले कहीं भी हम अरेस्ट हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। जब हम लोग गलत काम करेंगे उसको डर होता है। केजरीवाल को ईडी ने बुलाया था तो क्यों नहीं गए वो? क्यों जाएंगे? चोर आदमी कभी भी थाने में नहीं जाता है, वो भागता है, वो भगोड़ा बनता है। केजरीवाल जी को तो कट्टर ईमानदार बोलते हैं, आप बोल रहे भगोड़े हैं। कट्टर ईमानदार क्या है वो आज ही पता चल गया। अगर वो कट्टर ईमानदार होते वो जाते और बोलते कि ये मैंने गलती किया है या नहीं किया है, मेरा इनकाउंटर कर दो, मुझे मार दो, मुझे ख़त्म कर दो, लेकिन मैं आ गया हूँ तुम्हारे दरबार में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे ये साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं चोर इंसान है। सत्ता में आने से पहले इन लोगों ने रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ में और एक आंदोलन रूप धारण किया और उनके जो गुरु थे उनको ही धोखा दे करके सत्ता हासिल की। और इन लोगों ने जो वायदे किए थे, जिन लोगों ने जो वायदे किए थे कि हम दिल्ली को एक अच्छे स्तर पर ले जाना है और यहाँ की जनता के हित में कार्य करना है, आज इन लोगों ने पूरी तरीके से दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे वो DTC घोटाला हो या एक्साइज घोटाला हो या शराब का जो भी है, और काफ़ी ऐसे गिनाते में काफ़ी ऐसे घोटाले हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने अभी तक जो काम किया है तो काम इनके पास कोई गिनाने का कोई है नहीं। आपको क्या लगता है केजरीवाल पे आता हूँ ही आ रहा हूँ ईडी का है तो आज जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने इनको जब बुलावा भेजा कि आपको ईडी के जो आपके खिलाफ जो साक्ष्य हैं या नहीं है आप पेश हुई है वहाँ पे, ये जांच का विषय है, ये सारा डिक्शनरी का विषय है, तो वहाँ साक्ष्य पेश होंगे आप। और उसको एक मौका मिला हुआ है, इसके हम चुनाव नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक हैं, अपनी पार्टी को समर्थन देने के लिए जिनको उसने टिकटें दी हैं वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, जबकि उसकी कोई इमेज वहाँ नहीं है, उसके बावजूद भी इसी के सारे लाठी का सहारा ले रखा है चुनाव का, उसी के बेस पे अपना बचाव कर रहा है वो, और वो दिखाना चाहता है कि ईडी मेरा भी कुछ नहीं कर सकती हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, न्यायालय जो होता है ना, न्यायालय वो एविडेंस मांगता है और एविडेंस के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई बाल भी मांगा नहीं कर सकता। अगर आपके पास एविडेंस अगर ईडी ने दिए हैं, CBI ने दिए हैं, या उनके जो गवाह हैं जो सरकारी गवाह बन गए हैं उन्होंने सरकार को एविडेंस दिए हैं, तो वो बच नहीं पाएगा इससे कि कोर्ट को क्या चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होता है, और उस एविडेंस के आधार पर ही, ठोस आधार पर ही वो कार्रवाई करती है। देखिए ये राजनीतिक दलों का एक राजनीतिक कूटनीति होती है, अब अपने आप को किसी भी तरह से जनता को दिखाना चाहते हैं, मेरे को ऊपर जानबूझकर ये केस डाला गया है, ये मोदी जी सरकार ने, हर विपक्षी पार्टी, केजरीवाल ही नहीं, जितने भी विपक्ष पार्टी हैं हर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हर के पीछे ईडी आज से काम नहीं कर रही है, कई सालों से उनके पीछे काम कर रही है, जब पक्का प्रूफ उनका आ जाता है तो यही कहते हैं जो सरकार मौजूदा है, जो उसके प्रधान है, उन्होंने हमारे ऊपर ये ईडी और CBI थोपी है। तो कहने का मकसद यह है कि वो जो भाग रहे हैं वो अपनी गिरफ्तारी से भाग रहे हैं, नहीं तो इतना ईमानदार और सच्चा है तो आ जाए कोर्ट में, कहो जी मैं आ गया हूँ, मुझसे जो भी आप सवाल करते हैं करिए, मैं अपनी ईमानदारी से आपको उसका उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा, तो क्यों नहीं सामने आते हैं, आना चाहिए ना सामने। केजरीवाल क्या ईडी के सवालों से डर गए हैं? बिल्कुल डर गए हैं, चोर को हमेशा डर लगता है। लेकिन वो तो कहते हैं मीडिया के सामने कि मैं किसी से नहीं डरता, आम आदमी पार्टी किसी से नहीं डरती, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आप खुद एक साक्षी हैं, उन्होंने कहा था कि संजय सिंह का नाम सुनते ही ईडी का पैंट गीला हो जाता है, आज किसका गीला हो रहा है? किसका गीला हो रहा है? पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रही हैं, ये भी देख रहे हैं। ईडी के नाम से पैंट गीला होना इस बृहस्पतिवार को शुरू हो चुका है और अगले बृहस्पतिवार तक सारा इनका जो शराब में इन्होंने
338 करोड़ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इन्होंने बिल्कुल खाया है, इसीलिए ये भाग रहे हैं। अन्यथा ईडी के नीचे एक नारा है, सत्यमेव जयते। अगर तुम सच्चाई में होते तो तुम जाते और बोलते मैं सच्चा हूँ, मुझे गोली मार दो, मेरा इनकाउंटर कर दो, लेकिन मैं आ गया हूँ। आज मेरे पास थाने का फोन आ जाए कि तुमने ये गलत कार्य किया है, आ जाओ 10 बजे, मैं जाऊँगा, सच्चा होऊँगा तब जाऊँगा, लेकिन अगर मैं क्यों नहीं गया तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो 2010 से कह रहा हूँ भाई चोर है, आप लोगों की समझ नहीं बन पा रही। लेकिन लोग तो तब भी उनको जिताते हैं। जिताते हैं उसके पीछे कारण है, लोग ना अरविंद केजरीवाल को जिताते हैं ना आम आदमी पार्टी को जिताते हैं। उसने एक काम जरूर किया है कि कुछ लोगों के घर पे कुछ आर्थिक सहायता जरूर पहुंचाई है। बताइएगा कौन सी बताएगा? हाँ, बिजली के माध्यम से, जल के माध्यम से लोगों को एक बहकावे में लिया है कि उनके घर में कुछ आर्थिक सहायता पहुंचती है। वो 5-10 हज़ार की जो सहायता पहुंचती है उसके माध्यम से उसे वोट पड़ता है। बाकी सब लोग अंदर से जानते हैं कि वो चोर नहीं माँ चोर है, पाखंडी नहीं माँ पाखंडी है। अच्छा, उनके जरा काम का बताया जाए तो बोलते हैं लोग कि मोहल्ला क्लिनिक स्कूल बहुत अच्छा अच्छा किया गया है, तो इस पे क्या बोल रही हैं? सर मैम, स्कूल तो आपको कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, एक स्कूल मिलेगा जिस पे उसने लिपस्टिक पाउडर लगा के कुछ सुंदर सा कर दिया है। लेकिन वो तो कहते हैं मैंने कई स्कूल करे हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो पहले बहुत ज़्यादा खंडर की तरह, मतलब बहुत बेकार था, उस पर वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन अब हमारे देखा जाए तो बहुत अच्छा बिल्डिंग हो गया, बड़े बड़े रूम हो गए हैं, प्राइवेट रूम, प्राइवेट स्कूल से अच्छा हमारा गवर्नमेंट स्कूल हो गया है, पढ़ाई यहाँ तक बहुत अच्छी हो गई, इस पर क्या बोलेंगे आप? एक ही स्कूल है जिस पे आप कह रहे हैं ना वो खंडर था, उसकी इमारत को मैंने कहा कि भी उसको सुंदर सा, उसका सौंदर्यकरण करके उसको दर्शा दिया कि ये कि फ़ोटो है, ये कि स्कूल है, आप इसे देख सकते हैं, ऐसे स्कूल मैं बनाऊंगा, ऐसा मैंने कहा था। हाँ, उसने, मैं ये मानता हूँ ईमानदारी से, एक स्कूल बनाया है, बनाया नहीं है, उसका सौंदर्यकरण किया है और उसी को उसने सबको दिखाया है, उसी को उसने बेचा है, वहीं से उसने अपनी स्कूल की दुकानदारी आगे बढ़ाई है। जब दाल काली है, जब इनको दिक्कत है, जब चोर को दिक्कत होती है, भले कहीं भी हम अरेस्ट हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। जब हम लोग गलत काम करेंगे उसको डर होता है, और ईमानदारी का सिक्का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। यहाँ डर गए हैं तो केजरीवाल तो मीडिया के सामने हमेशा ये बोलते ना हम कि मैं किसी से नहीं डरता, आम आदमी पार्टी किसी से नहीं डरता, फिर तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? ये तो पहले से कहते आए, लेकिन इनके 4-4 आदमी जेल में है अभी भी, शायद मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, एक इनके मिनिस्टर के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है, उसका शायद सुबह आ जाएगा डिटेल। और अगर ईमानदार होते तो इनके मनीष सिसोदिया हैं और संजय हैं, पहले अनिल जी हैं, तो इनके क्यों जेल में पड़े हुए हैं? इनको बेल मिलनी चाहिए। ये तो राजनीति तो हो नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, न्यायालय का विषय है, तो न्यायालय इनको जमानत देनी चाहिए। और न्यायालय ने इनकी जमानत तो खारिज किया है, क्यों किया है कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इन्हें भ्रष्टाचार किया, गलत किया, इसलिए न्यायालय ने इनका सूपड़ा साफ करने का काम। और हमारे देश में जितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इनके कार्यकर्ता कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। और माननीय न्यायालय को ये आक्षेप लगाते हैं उन पर, माननीय न्यायालय पर इन लोगों को विश्वास नहीं है, तो मैं लगता हूँ ये लोकतंत्र व्यवस्था में भी विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये काम क्या करेंगे?